इसलिए गांधी के प्रति हम गाली तो नहीं दे सकते मगर आदर भी व्यक्त नहीं कर सकते। उसने बहुत बुरा किया हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करके। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है शांति स्वरूप बोध जी, जो कि किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में ऐसा क्या कहा था जिसे बहुजन समाज के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। हाँ बेटे, बिल्कुल आपने सही कहा कि गांधी जी की जो भूमिका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर है बड़े ही मज़ेदार है। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई पहली वाली 1931 में लंदन में हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को भी बुलाया, बाबा साहब को भी बुलाया, मुसलमानों को भी बुलाया, यानी कि जितने उस भारत में राजनीतिक घटक थे और सांप्रदायिक घटक थे उन सबको बुलाया। मगर गांधी जी ने उसका ये कह के विरोध किया कि जब डॉक्टर अम्बेडकर को तुम बुला रहे हो, हमको बांटने का खेल खेल रहे हो, मैं इस सम्मेलन में नहीं आऊँगा। तो गांधी जी उस सम्मेलन में गए नहीं, मगर बाबा साहब जब उस सम्मेलन में गए और उनको बोलने का समय मिला तो दुनिया के सबसे ताकतवर अंग्रेज़ों को ललकारने का काम जो गांधी और गांधीवादी आज तक नहीं कर पाए, बाबा साहब ने उस दिन कहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था, अरे अंग्रेज़ों वो दिन लद गए जब तुम सात समंदर पार बैठकर हम पर हुकूमत चलाते थे और हम हुकूमत करते थे, अब समय आ गया है हम अपने निर्णय अपने आप लेंगे। तो ये लताड़ जब गांधी ने भारतवर्ष में सुनी तो उन्होंने बाबा साहब को कहा था ये अव्वल दर्जे के देशभक्त हैं, ये गांधी के शब्द हैं, लिखित हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जगह जगह डॉक्यूमेंटेड हैं, लिपिबद्ध हैं। तो ये पहले सम्मेलन की उपलब्धि थी, मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत आ गए और गांधी जी को ये लगा कि कहीं अंग्रेज़ों ने इनकी सेपरेट आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली, इनका पृथक अस्तित्व हिंदुओं से पृथक अस्तित्व स्वीकार कर लिया तो ये हमसे अलग हो जाएंगे और हिंदू अल्पमत में आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक चाल चली, एक ड्रामा किया, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ये कहा कि नहीं, ये डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों के लीडर नहीं हैं, ये उनके प्रतिनिधि नहीं हैं, कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि है, गांधी उनका प्रतिनिधि है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। जब ये गांधी ने कहा तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उस लंगोटेधारी महात्मा की धज्जियाँ उखेड़ करके रख दी। आज भी कांग्रेसियों के पास बाबा साहब की बातों का कोई जवाब नहीं है, उनको गाँवों में प्रताड़ित किया जाता है। बाबा साहब ने पूछा क्या नहीं किया जाता, आज भी हमारी तरक्की के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, नहीं अटकाया जाता। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मिस्टर गांधी आई हैव नो होमलैंड, मेरा कोई मातृभूमि इस देश में नहीं है, तो क्या आप वो देने को तैयार हैं। गांधी जी तो खाली झांसा देने के लिए पैदा हुए थे, हमको झांसा देंगे और झांसा गिरी से जो कुछ उनको मिलेगा उसे अपने लोगों में बांटेंगे। उन्होंने तो मुसलमानों से भी कहा कि तुम इसका डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मत देना, हम आपस में सुलह लेंगे। मैं नमन करता हूं उन मुसलमान प्रतिनिधियों को जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में अपनी राय रखने से मना कर दिया था। आज की सबसे बड़ी सच्चाई है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ना हुई होती तो ये कभी भी सिद्ध ना होता कि गांधी जी हमारे प्रति सबसे बड़े खलनायक हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की वकालत देखिए, उनकी वकालत का लोहा किस कदर दुनिया ने माना वो देखिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से दो मतों का अधिकार बाबा साहब ने वहाँ पे प्राप्त किया, गांधी की एक न चली। वहाँ पर मालवीय जी गए थे उनकी एक न चली, जितने भी इनके कांग्रेसी नेता वहाँ गए थे जिनको हिंदू नेता कहना चाहिए किसी की एक न चली। और हमारा सपूत, इस देश का असली सपूत बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इतने सारे विरोधियों के बीच में से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अमर फल लेकर के भारतवर्ष में लौटे, तो इनके पास षड्यंत्रों के अलावा कुछ है नहीं। जो गांधी ने भारतवर्ष आकर आमरण अनशन किया था वो इसलिए किया था कि डॉक्टर अम्बेडकर डर जाएगा, और डॉक्टर अम्बेडकर डर जाएगा तो ये जो अधिकार मांगा जा रहा है वो अधिकार उसको मिलेगा नहीं। उनकी दृष्टि में वो कह रहे थे ये देश को बांटने का षड्यंत्र है। अरे अगर तुमको ये लगता है इन लोगों के जागरूक होने से देश बट जाएगा तो तुम इन्हें अधिकार क्यों नहीं देते हो, अधिकार आज भी नहीं दे रहे, अधिकार तब भी नहीं दिए थे। आज की जो वर्तमान सरकार है वो भी गांधी के रास्ते पर चल रही है,
वो भी कांग्रेसियों के रास्ते पर चल रही है, कांग्रेसियों से बल्कि ज़्यादा भयंकर तरीके से चल रही है। तो इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी को पानी पिला दिया था, गांधी को चारों खाने चित्त नीचे गिरा दिया था, और गांधी ने षड्यंत्र का सहारा लेकर भारतवर्ष में आकर आमरण अनशन पर बैठने का ड्रामा किया। उनको पता था ये शासक जातियों का मीडिया आज भी जितना वफादार है उस समय भी ऐसा ही था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जब वो आमरण अनशन पर बैठे यरवदा जेल पूना में, तो सारा अखबार चीखने चिल्लाने लगा, गांधी के प्राण बचाओ, गांधी के प्राण बचाओ। कस्तूरबा गांधी, गांधी की पत्नी, वो भी गई बाबा साहब के पास, गई और झोली फैला करके बोली कि मिस्टर अम्बेडकर, मेरे पति का सुहाग बचा लो, मैं तुमसे सुहाग की भीख मांगने आई हूँ। ये स्थिति आ गई थी। और हमारे रमाबाई अम्बेडकर, बाबा साहब की पत्नी, कितनी उदार, वो कहने लगी कि देखो, एक औरत जब पल्ला पला कर अपने सुहाग की भीख मांगे तो उसे निराश मत करना। यानी हमारा चरित्र क्या है, और इनका चरित्र षड्यंत्र 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 के अलावा कुछ नहीं। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ठान ली थी कि मैं इनके द्वारा भेजा गया पूना पैक्ट समझौता मानूंगा, मगर ऐसे नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा कि आपको हमें आरक्षण देना पड़ेगा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना पड़ेगा। एक तरीके से जैसा ये कहते देश को बंटवारे का षड्यंत्र था, इसका मतलब ये हमें भी पाकिस्तान जैसा मुसलमानों को मिला, हो सकता है हमें भी कुछ मिल जाता, मगर नहीं, गांधी जी लंबे लेट गए लंगोटा पहनकर और हमारे अधिकारों के खिलाफ में। एक तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को धमकाया था कि अगर मैं मर गया तो इस देश में कत्लो गारत होगी, मगर बाबा साहब इस बात को जानते थे, हमारे लोगों के घर में तो जो सब्जी काटने की छुरी होती है वो भी खोटी होती है, उससे नाक तक नहीं कट सकती, वो अपनी मजबूरी को जानते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए तो आरक्षण लेकर के किए। आज हमारे बदन पर ये कपड़े आए ना साफ सुथरे, ये उसी आरक्षण की देन है। और अब वो आरक्षण भी इनको खल रहा है, आँख में कांटे की तरह चुभ रहा है, इसलिए उसको ख़त्म करने पर तो एक तरीके से ख़त्म कर ही दिया है, खाली विधिवत घोषणा हुई नहीं है और विधिवत घोषणा होगी भी नहीं, क्योंकि इनका सुब्रमण्य स्वामी बोल के गया है कि हम आरक्षण को इस स्थिति तक पहुँचा देंगे, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो साथियों, आज हमारे जो इस देश के जितने बहुजन हैं, इनका जो इतिहास है, उसके इतिहास में कोई सबसे बड़ा अगर कोई खलनायक है तो वो गांधी है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। तो आज जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आती है तो मेरे जैसे व्यक्ति का कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि गांधी ने वहाँ पर जो नंगा नाच खेला था हमारे अधिकारों के विरोध में, वो भी एक नज़ीर है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐतिहासिक साक्षी है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए गांधी के प्रति हम गाली तो नहीं दे सकते, मगर आदर भी व्यक्त नहीं कर सकते। उसने बहुत बुरा किया हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करके, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो आज के दिन में उस पूना पैक्ट के माध्यम से, राउंड टेबल के माध्यम से, जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता का परिचय मिलता है, वहीं मिस्टर गांधी की घृष्टता का भी प्रमाण मिलता है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी सच्चाई है। धन्यवाद बेटे, बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।